हेलो, मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एचआईवी एक्सपोजर के बारे में। यदि आपका एचआईवी एक्सपोजर हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन तरीक़ों से एचआईवी होने का खतरा है आपको सेक्सुअल एक्सपोजर से, शारीरिक संबंध से। तीनों किस्म के मैथुन में, मुख मैथुन, गुदा मैथुन और योनि मैथुन, तीनों में एचआईवी फैलने का खतरा है। लेकिन तीनों में एचआईवी फैलने का खतरा एक दूसरे से अलग है। सबसे कम खतरा मुख मैथुन में है, उससे ज़्यादा योनि मैथुन में और उससे ज़्यादा गुदा मैथुन में है। मैथुन के दौरान जो दो पार्टनर है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव, और जो पैसिव पार्टनर से उसको एचआईवी होने का खतरा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एक्टिव। एक्टिव के मुकाबले पैसिव को एचआईवी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और यदि आपने बिना कॉन्डम असुरक्षित जातीय संबंध रखा है तो ही आपको एचआईवी होने का खतरा है। लोग आम पूछते हैं मुझे कि सर, एक बार असुरक्षित शारीरिक संबंध से एचआईवी क्या हो ही जाएगा? और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक बार असुरक्षित जातीय संबंध से एचआईवी हो ही जाएगा, लेकिन ये सही बात नहीं है। और जब लोग आम पैसा दे के शारीरिक संबंध रचाते हैं तब उसको ऐसा लगता है कि पैसे लेके शारीरिक संबंध करने वाले हर व्यक्ति को एचआईवी होगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंडिया में एक सर्वे के मुताबिक पैसा देके शारीरिक संबंध देने वाले लोग सिर्फ 2 या 3% लोगों को ही एचआईवी होने की संभावना है। तो कहने का मतलब बाकी के 97-98% लोगों को आपका जो पार्टनर्स होगा उसको एचआईवी होगा ही नहीं। और यदि उसको एचआईवी होगा ही नहीं तो आपको एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं है। चलो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका सामने वाला पार्टनर को एचआईवी है। सामने वाले पार्टनर को एचआईवी है, कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो भी एक बार आपने शारीरिक संबंध रखा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एचआईवी हो ही जाता है। एचआईवी होने की एक संभावना होती है, जो यह संभावना है वो 1000 में से 1 से लेकर 20000 में से 1 तक रहती है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि सामने वाला इंसान को एचआईवी हो तब भी आपको एचआईवी होने की संभावना 1000 में से 1 से लेकर 20000 में से 1 तक रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एचआईवी हो ही जाता है। अब एचआईवी कौन से, आपका रिस्क कितना है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा किस्म का मैथुन किया है और आप एक्टिव पार्टनर हो के पैसिव पार्टनर हो। दूसरा, लोग एक्सपोजर के बाद किसी इंसान से इसके बारे में आमतौर पर पूछ नहीं सकते, एचआईवी के साथ में जुड़ा हुआ स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो लोग उसका हल अपने आप ही निकालने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर एचआईवी के बारे में कोई सर्च होता है तो वो चीज़ है एचआईवी सिम्टम्स। लोग जानना चाहते होते हैं कि एचआईवी के सिम्टम्स कितने दिन के बाद दिखते हैं, कितने दिन तक रहते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस सिम्टम्स के बारे में कुछ भी सर्च ना करें, कुछ भी ना देखें और इसके बारे में कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि ये आपको किसी भी रूप से फ़ायदा कराने वाली चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि एचआईवी के एक्सपोजर के बाद दिखने वाले सिम्टम्स के आधार पर आप एचआईवी का पता नहीं लगा सकते। उसका एक सिंपल सा कारण मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लो कि एचआईवी एक्सपोजर के बाद दिखने वाला एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम्स में एक सिम्टम्स बुखार है, तो लेकिन बुखार सिर्फ एक एचआईवी एक्सपोजर के बाद ही नहीं दिखता,
बुखार आने के तो 100 किस्म के कारण हो सकते हैं। मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, थकान हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ऐसे में आपको 100 कारण गिना सकता हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपको बुखार आया है वो HIV के एक्सपोजर के कारण आया है कि किसी और कारण से, या तो आपके डर के कारण से? तो एक बात समझ लीजिए कि HIV के सिम्टम्स के पीछे मत भागिए। HIV के सिम्टम्स से HIV का पता नहीं लग सकता, तो कृपया करके आप इंटरनेट पर HIV के सिम्टम्स के बारे में देखना, पढ़ना, समझना, सोचना बंद कर दीजिए। तो सवाल ये होता है कि यदि सिम्टम्स से पता नहीं चलेगा HIV के एक्सपोजर के बाद, तो कैसे मालूम करें कि आपको HIV हुआ है कि नहीं हुआ? तो उसका मालूम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है HIV का टेस्ट। अब लोगों के मन में वो प्रश्न भी आता है कि कौन सा किस्म का टेस्ट कराए, कब के टेस्ट कराए, कितनी बार टेस्ट कराना होता है। तो इसके बारे में आपको मैं पूरा इस सवाल का जवाब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है, कब नहीं कराना है, कितनी बार कराना है, और औसतन उसका कितना खर्चा लगता है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। लोग अपने आप देखकर सिम्टम से ऐसा लगने लगता है कि उसको HIV हो गया है, तो ये गलत बात है। लोग टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव भी आता है, लेकिन वो डर के कारण उस टेस्ट पर यकीन नहीं करते। काफ़ी बार, ज़्यादातर बार लोगों ने सही किस्म का ही टेस्ट कराया होता है, तब भी वो डर के मारे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। या तो इंटरनेट पर उसने कहीं ऐसा देख लिया कि 6 महीने के बाद पता चलता है, किसी ऐसा देख लिया कि 1 साल बाद चला पता चलता है, कोई ये देख लेते हैं कि 10 साल बाद पता चलता है, कोई देख लेते कभी भी पता नहीं चलता। तो ये सब गलत बात है। समझ लीजिए कि इंटरनेट पर हुई हर बात सही नहीं है। इंटरनेट पर आप जो भी पढ़ रहे हो वो हो सकता है कि वो पुराना हो चुका हो, उसके बाद विज्ञान बदल चुका हो, उसके बाद नई गाइडलाइन आ चुकी हो, उसके बाद नया किस्म का टेस्ट आ चुका हो। तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेट कोई डॉक्टर नहीं है। यदि आप हद से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आपकी समस्या के लिए करेंगे, तो आपको एक ही चीज़ के लिए 10 किस्म के जवाब मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो आप कृपया ध्यान रखिए, इंटरनेट पर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लें। 1 या 2 दिन यदि आपने इंटरनेट पर देख लिया है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी आपको ज़रूरत है उतनी काफ़ी है। उससे ज़्यादा आप 1 से 2 दिन से ज़्यादा आप इंटरनेट पर इस मसले पर पढ़े नहीं, वरना आपका कन्फ्यूज़न दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। तो सवाल ये है कि यदि इंटरनेट पर देखे तो क्या देखे, कौन सी चीज़ देखे, कौन सी चीज़ नहीं देखे, कैसे मालूम करें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, और कैसे मालूम करें कि जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वो गलत है। तो याद रखिए, जो भी वीडियो या तो आप गूगल पर आर्टिकल पढ़ते हो, तो देखिए कि वो किस इंसान ने लिखा है, वो डॉक्टर है या नहीं, वो HIV का एक्सपर्ट डॉक्टर है या और कोई डॉक्टर है। जो आर्टिकल और वीडियो है वो अभी का 6 महीने, 1 साल 2 साल का है कि बहुत पुराना है? वो डॉक्टर ने HIV में कोई स्पेशल ट्रेनिंग लिया हुआ है या नहीं, उसकी डिग्री क्या है? तो ये सब चीज़ों से, और जो भी डॉक्टर बात कर रहे हैं वही चीज़ को आप दुनिया की सबसे बड़ी एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ के रिलेटेड गाइडलाइन रिलीज करती है, तो वहाँ पर जाकर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है या कौन सी गलत है, तो अमेरिकन संस्था CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की संस्था के वेबसाइट पर जाकर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है वो आप कंफर्म कर सकते हो, और उसके बाद ही अपने जीवन में आप आगे बढ़िए।
यदि आप कोई भी व्यक्ति से हर चीज हर कोई व्यक्ति से इसके बारे में पूछते रहेंगे तो आपको गलत जानकारी मिलेगी, आप गलत रास्ते पे जाओगे और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस नहीं आएगा। तो अब आखिर में जो आपका जो डर है उस डर को कम करने के लिए मिटाने के लिए याद रखिए, आपको यहाँ पर मैं आपको समरी दे रहा हूँ। पहला कि एक्सपोजर के बाद सिम्टम से एचआईवी का पता नहीं लग सकता, तो सिम्टम्स के पीछे मत भागिए, सिम्टम्स को आप भूल ही जाइए। दूसरा, आपको सिर्फ एक ही किस्म की एचआईवी की टेस्ट कराना है, लेकिन याद रखिए वो सही समय पे की जानी चाहिए, उसका विंडो पीरियड के बाद की जाना चाहिए और इस टेस्ट का पूरा लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा, आप एक या सिर्फ दो डॉक्टर से ही बात करें और याद रखें एक या दो डॉक्टर्स एचआईवी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। यदि आपके शहर में एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है तो आप एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से ऑनलाइन किसी से कंसल्ट कर सकते हो, और यदि आपके शहर में एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है तो उसके क्लिनिक पर जाकर भी आप बात कर सकते हो। यदि कुछ नहीं है तो भी आप सरकारी संस्था एआरटी सेंटर या आईसीटीसी सेंटर्स जो आमतौर पर मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पाए जाते हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी और से बात ना करिए, आप अपने फ्रेंड की सलाह ना लीजिए, आप रिश्तेदार की इसमें हेल्प ना लीजिए डिसीजन लेने में, फाइनल टेस्ट को डिसाइड करने में, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट नहीं है। और कृपया करके आप लेबोरेटरी पर जाकर वहाँ पर बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट या तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन से भी इसके बारे में सलाह मशवरा ना लीजिए, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए कि आप हर किसी से पूछते मत फिरिए, आपको सिर्फ एक टेस्ट सही समय पर कराना है और यदि वो नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप एचआईवी के बारे में एड्स के बारे में गूगल और यूट्यूब पर देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना आपका डर कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा, आपका डर बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि चिंता एक डर के रूप में बाहर आए, हो सकता है वो डिप्रेशन के रूप में भी जा सके और आपकी सोशल या पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। तो याद रखिए इंटरनेट कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती, तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन या तो क्लिनिक में जाके या तो एआरटी सेंटर या तो आईसीटीसी सेंटर जाकर डॉक्टर से बात करें और उसके बारे में सही जानकारी लें और उसी के हिसाब से आप अपने जीवन में इस चीज़ों को लागू करें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका डर कम हुआ होगा, आपको पता लगाने में आसानी रहेगी कि आपको एक्सपोजर के बाद एचआईवी हुआ है कि नहीं हुआ। और आम तौर पर एक किस्म का एचआईवी के बाद एक्सपोजर के बाद एचआईवी होने की संभावना बहुत 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 कम है, और 99.99% से भी ज़्यादा संभावना यह है कि आपको एचआईवी नहीं होगा। तो आप चिंता मत करिए, सही जानकारी लीजिए, गूगल या यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, एचआईवी एक्सपर्ट लोगों से ही बात करें और सही किस्म का एक बार का टेस्ट करा लें, और नेगेटिव टेस्ट आने पर आपको बार बार कोई रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि कैसे एचआईवी फैलता है, कौन से एक्सपोजर से कितना रिस्क होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उस पर क्यों भरोसा नहीं करना होता है, विंडो पीरियड के बारे में, एचआईवी के टेस्ट के बारे में, इस एचआईवी के एक्सपोजर के डर से जुड़ी हुई चीज़ें, फोबिया, उसको कैसे कंट्रोल की जाए, इन हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल्स पर डाले हुए हैं। तो यदि आपको इस वीडियो में देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एचआईवी एक्सपोजर के बारे में देख सकते हैं, या तो वीडियो के सेक्शन में जाकर आप हमारा पूरा वीडियो हर एक वीडियो देख सकते हो, इसमें जो भी आपको काम की चीज़ें हो। तो हम हर शनिवार और रविवार एक नए वीडियो के साथ
या तो लाइव टॉक शो के साथ हम YouTube पर मिलते हैं। तो हम अगले शनिवार और रविवार भी कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपको मेरे मदद रूप होंगे, HIV/AIDS से जुड़े टॉपिक हम लेके आएंगे हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे। आखिर में एक चेतावनी, यहाँ पर की गई हर बातें एक आम जानकारी के लिए है, एक कोई HIV मेडिकल का ज्ञान आपके लिए नहीं है। और समय के हिसाब से विज्ञान बदलता रहता है, तो किसी भी जानकारी को इंटरनेट पर से या तो इस वीडियो में से अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV और AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन या इन क्लिनिक बात करके उसके बाद ही अपने जीवन में लागू करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हैं, तो हम अगले संडे मिलेंगे।